मेरे पास है फ्री फायर की ऑफिशियल हुडी, ये और ये वाली शर्ट, और मैं चाहता हूँ कि ये किसी और को मिले, लेकिन इसको पाने के लिए उन्हें ढेर सारे ओरियन से अपने खून को चुसवाना पड़ेगा और चुसवा के सरवाइव करके बुया करना पड़ेगा। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक मौका दिया जाएगा पहचान करने के लिए कि इन ढेर सारे बुशेस में रियल बुश कौन सा है। और आखिर में दूंगा एक दिलचस्प टास्क, अगर कोई उसको कम्प्लीट करने में कामयाब हो जाता है तो वो भी बन जाएगा हमारा विनर। तो मैंने कस्टम रूम बनाया और सबका इंतजार करने लगा, और इंतजार करते करते मैं अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा कस्टम रूम रेडी हो गया। तो मैं आप लोगों को रूल समझा देता हूँ, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यूज करना है ओरियन का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन गेम मेरी सबको अगर आवाज आ रही है तो यहाँ पर आप चैट में कोई इमोजी वगैरह भेज दीजिए सारे, अगर मेरी इन गेम आवाज आ रही है सबको। ओके, बस हो गया, समझ गया। सीन कुछ इस तरीके का है कि आप सब ने फाइट मेरे कहने पर लेनी है। जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा, 3 के साथ आप सब ने एट ए टाइम ओरियन को यूज करना है, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सब पहले से ही अपने ओरियन को चार्ज करके रखना है। आप लोगों के पास ओरियन को रिचार्ज करने के लिए बेनिफिट ये है, बॉनफायर हमने अलाउ कर दिया अनलिमिटेड, मतलब कि आपके पास ओरियन को बार बार चलाने का मौका आपको मिलता जाएगा। बहुत गुड हो गया जी। जैसे आप बंदे को किल करोगे आपके पास दोबारा ओरियन चार्ज होगा, आप दोबारा बंदे को किल कर पाओगे, मतलब कि आपके आसपास चारों ओर टमाटर ही टमाटर होंगे, फुल माहौल लालम लाल होगा, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा मेडिकेट यूज करने का, और सब आपको ओरियन से डैमेज दे पा रहे होंगे। लेकिन आपकी किस्मत पे डिपेंड करते, अगर आप मेडिकेट लगा पाते हो तो आप शायद सर्वाइव कर पाते हो। तो ऐसे करते करते जो शख्स विन करेगा उसको मैं दूंगा ऑफिशियल फ्री फायर की मर्चेंडाइज, जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं है, बिल्कुल पैक पड़ी है मेरे पास न्यू। उसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको मैं मूव करूंगा सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में उसके लिए एक सरप्राइज है। जब हम सेकंड राउंड हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, और थर्ड राउंड में हम ऐसे करेंगे कि जो फर्स्ट राउंड में हमारा विनर और सेकंड नंबर पे बंदा होगा उनको हम साइड पे कर देंगे। उसके बाद जो हमारे थर्ड नंबर से लेकर 12 नंबर, मतलब के जो 10 बंदे होंगे हमारे फर्स्ट राउंड के, उनको मैं मूव करूंगा थर्ड राउंड की तरफ। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं हमारे पहले राउंड को। सो बिस्मिल्लाह करते हैं, 3 2 1 मैच स्टार्ट होने के बाद किसने मशरूम का है, किसने बोनफायर का इस्तेमाल करके अपने ओरियन को चार्ज किया और हमने ये लोकेशन डिसाइड की। लेकिन कुछ माँ के लोटे हमें तंग करे थे, फजूल के ग्लूज लगाए थे, एयर ड्रॉप चार्ज करके गन्स उठा रहे थे। मत लगाओ ब्रो, मत लगाओ यार। स्टार्ट करें, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। नहीं तो स्टार्ट करेंगे क्या उसको बिना? अब सुनाई नहीं दे रहा। अबे कौन किल हो रहा है भाई? अबे मेरे 3-1 करके किए बगैर तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया यार। अबे भाई ये तो चकला बन गया भाई साहब, कौन किल हो रहा है? अबे शुरुआत तो बहुत मजेदार हुई, लेकिन किसी ने ग्रेनेड फेंक के साबित कर दिया कि वो है एक नंबर का मादर बल्ब। और इसके अलावा एक बंदा यहाँ पे लेट के आराम फरमा था, जिसकी वजह से हमें दोबारा कस्टम रूम बनाना पड़ा। सेकंड कस्टम रूम में हमने डिसाइड करके फैक्ट्री के ऊपर लैंड करेंगे और वहाँ पर अपने ओरियन को चार्ज करके कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन इस वाले रूम में भी कुछ लोगों ने नीचे लैंडिंग कर ली। तो सर फैक्ट्री पर लैंड कर दीजिए। जिंदाबाद भाई, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ छोटी सी बात बोलूंगा कि मैं जीतने वाला हूँ और शर्ट के साथ अंडरवेयर भी चाहता हूँ। अरे ओ यार, आप गंदी बात ही नहीं करो। टेट्रा लेजेंड आपको मैं इससे सलामी दूं, आप क्यों नीचे लैंड कर रहे हो? अब आप कैसे फैक्ट्री की छत पे आओगे? चलो हाँ, आप एलिमिनेट कोई तो। अब ये पीएल शहजाद भाई, आपको मैं मतलब कैसे समझाऊं? अभी मतलब कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास आपके लिए कि मैं चुनाव करूं उनका। इनको धरती पर लैंड करता हुआ देखकर मुझे गुस्सा थोड़ा सा आया, लेकिन मैं देखा कि ये बंदा मुक्के से सबको मार रहा है तो मैं अपना आपा खो बैठा। मैं कौन है हरामी मार रहा है? वो इसकी माँ का। ये किसने मारा है? एक किल निको, एक नंबर के चूतिया इंसान हो तुम। निको को सारे गाली दो सारे निको को। तो हम सब ने मिलकर नाजेबा अल्फाजों का इस्तेमाल करके उसकी शान में इजाफा किया और उसके बाद अगला कस्टम रूम स्टार्ट कर दिया। अभी गुलदस्ता बनाओ एक ग्लू वाइज का। ओके सब। अभी यार किसने मैंने 3-2-1 का बोला था मैंने यार, लेकिन अब जो भी एंड में बचेगा मैं उसको विनर बना दूंगा, क्योंकि मुझसे और नहीं हो रहा। अबे भाई किलिंग हो रही है यार, ये क्या भाई शोरबा बन गया यार गेम का। भाई साहब मुक्के मत मारो, ठीक है? कोई भी मुक्के मत मारो, 3-2-1 का तो वेट कर लेते नुबड़ा। अबे भाई साहब कौन बने? जिंदाबाद अभी जिंदा है, जिंदाबाद अभी जिंदा है, जिंदाबाद।
तुम कर सकते हो, कर सकते हो, जिंदाबाद तुम कर सकते हो भाई 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 भाई, भाई। यार कोई भी सर्कल से ना निकले, ना निकले सर्कल से, वापसी हो सारे सर्कल में, एक ही जगह पे आओ सारे, कोई भी ना निकले यहाँ से, कोई भी ना निकलो भाई साहब। भाई एक और मर गया, कौन मरा अभी? अभी कोई भी दूर ना जाए, कोई भी दूर ना जाए इस एरिया में। बंदे कम हो गए, माहौल ठंडा हो गया, जिसकी वजह से डैमेज कम पड़ रहा था। तो मैंने बोला कि जोन का वेट करो, इस कोने में चल जाओ, जब जोन की श्रिंकिंग आप लोगों पे आएगी तब आपने अगेन कार्रवाई शुरू कर देनी है। और मैं 3-2-1 के साथ, ठीक है? अबे मैं यहाँ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, 3-2-1 तो बोलने देते हैं। अभी अभी मजा आएगा, अभी जोन डैमेज ही पड़ रहा है सबको, अब होगा असल मौत का खेल। अबे एक गया यार। अब आप लोग बोले कि यहाँ पर तो मरना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसी हेल्थ कम हो रही है बोनफायर की वजह से हेल्थ उनको दोबारा मिल रही है, सब एक बराबर डैमेज दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर इस्तेमाल होना था दिमाग का, मतलब कि इनको लेने चाहिए थे वो कैरेक्टर स्किल जिनकी वजह से इनको HP मिलते रहे और ऐसे पेट जो इनकी हेल्प करे EP देने में। हो गए, अभी जोन स्टार्ट हो गया। जानी भाई इधर ही खड़े रहो। अभी जानी भाई चले गए, जानी भाई मर गए। अब सिर्फ 4 बंदे लाइव है, टेट्रा एंशिएंट एफपी खिलजी अच्छी भाई जिंदाबाद से। कौन बनेगा इनमें से विनर? मुझे जिंदाबाद से बहुत उम्मीद है, ये जीत सकता है। अरे, किसकी HP का इंसेंट गया, ये भी मर गया। अज्जू भाई मरने वाले हैं, अज्जू भाई मरने वाले। अरे नहीं, अरे ये कौन? ओ भाई साहब, मैंने बोला था ये जीतेगा, बहुत आला यार। दूसरे नंबर पे जबरदस्त यार। तो गाइस हमारा फर्स्ट राउंड हो गया खत्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस गया, बहुत ज्यादा लंबा गया। जिंदाबाद ने यहाँ पे विन कर लिया और फर्स्ट राउंड जो कि हमारा सबसे लंबा गया, तो इसलिए मैं जिंदाबाद को देना चाहूंगा फ्री फायर की ऑफिशियल हुडी। सर्दी आपकी अच्छी जाने वाली, जिंदाबाद मुबारक हो। और अंडरवियर भी भाई, अंडरवियर लॉलीपॉप ले ले मेरा। नंबर 2 पे चूंकि हमारे अज्जू भाई आए थे, तो हम सीधा मूव करते हैं सेकंड राउंड की तरफ। और सेकंड राउंड में हम 3 बंदे हो गए, एक मैं, एक दूसरा बंदा और तीसरे बंदा हो गया हमारे अज्जू भाई, और बाकी ये सारे हो गए स्पेक्टेट पे। तो थर्ड राउंड को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने चूज किया हमारी फर्स्ट राउंड के विनर करना कुछ ऐसे था कि ढेर सारे बुशेस के बीच वोगों का इस्तेमाल करके एक बुश के ऊपर बैठ जाना था, और अज्जू भाई के पास सिर्फ एक ही मौका होगा ये बताने में कि इनमें से कौन से बुश में है हमारा प्लेयर। अगर अज्जू भाई ये बताने में नाकाम हो जाएंगे तो इसका मतलब वो अपना सुनहरा मौका गवा देंगे और हम फ्री में ही सेकंड शर्ट प्रोवाइड कर देंगे हमारे फर्स्ट राउंड के थर्ड नंबर वाले बंदे को। तो मेरे जहन में ये वाला एरिया आया क्योंकि यहाँ पर बुशेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं और अज्जू भाई जिंदाबाद का वेट करने लगे। हाँ देखा, आ गया मंसूर, आ गया चल आगे, बार तो आ रहा है। अज्जू भाई को मैंने बोला कि मेरी नजर से आप इतना दूर चले जाओ कि मुझे नजर ही ना आओ, ताकि आपको पता ना चले कि मंसूर कौन से वाले बुश में बैठने वाला है। तो जब वो बुश बना, मैं अज्जू भाई को इस इलाके में ले आया फाइंड करने के लिए, लेकिन हमारे साथ हो गया प्रैंक। जब तक मैं अज्जू भाई को यहाँ पे लेकर आता तब तक बुश का टाइम खत्म हो गया था। सिर्फ एक पे ही आपने उंगली रखी है कि ये रियल बुश है। आपके पास टाइम शुरू होता है अभी, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अरे ये क्या हुआ है, क्या खुद आ गया भाई, 30 सेकंड पूरे हो गए। आए बहन चो, तो हम दूसरी लोकेशन पे पहुंच गए, अज्जू भाई हवेली के अंदर बढ़ गए और मंसूर बुश में। अज्जू भाई आर यू रेडी? रेडी। ओके 3-2-1 मंसूर बच जाओ बुश। आजो अज्जू भाई जल्दी, 30 सेकंड का टाइम है, बुश लाया हो जाएगा। आजो और बताओ इनमें से कौन से मैं मंसूर बैठा हुआ, जल्दी आओ। यहाँ पे 8 बुशेज नहीं, गलती से बताना नहीं। 3-2-1 जाओ यार अज्जू भाई, जाओ यार अज्जू भाई, शर्ट गवा दी आपने। तुमसे सही बोलो, थोड़ा सा रहता था ये यार। मंसूर यहाँ पे बैठा था, मंसूर यहाँ पे बैठता और अज्जू भाई ने ये कैस किया। तो अज्जू भाई आप अपना शर्ट गवा दो, मुझे जाना पड़ेगा आप वीडियोस में। और नंबर 3 पे हमारे पास जो शख्स थे, मैं था सबर मुझे चेक करने दो, देख लो कौन था नंबर 3 पे। खिलजी एफबी FB खिलजी। सो अज्जू भाई आपकी शर्ट मिल गई, अब खिलजी को धन्यवाद मार दे। चलो बात करो।
गाइस अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 बंदे कस्टमरों में, जिसमें से स्पेक्टेटर लिस्ट में अगर हम देखें तो जिंदाबाद, खिलजी और अज्जू भाई ये राउंड नहीं खेले, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिंदाबाद अपनी शर्ट जीत चुका है। अज्जू भाई को मौका मिला था क्योंकि वो सेकंड नंबर पे आए थे, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया तो डायरेक्टली उनकी शर्ट ट्रांसफर हो गई खिलजी को। तो अभी हम करेंगे ऐसा कि मैं जाऊंगा प्लेइंग, और अब इस लास्ट फाइनल राउंड में ऐसा होगा कि मैं इन सबको बोलूंगा कि आप लोगों ने टोकन्स कलेक्ट करने हैं और सबने नंबर बाय नंबर मेरे पास आना है। जैसी फर्स्ट जोन की श्रिंकिंग स्टार्ट होने के बाद एंड हो जाएगी, इन सबने मेरे पास पहुंचता है। अगर कोई नहीं पहुंचता तो उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगा। सबने अपने टोकन्स लाइन में बिल्कुल ड्रॉप करने हैं और मैं करूंगा मतलब उनको काउंट, जिसने सबसे ज्यादा टोकन्स कलेक्ट कर दिए होंगे वही विनर बनेगा हमारे इस राउंड का। तो इस राउंड के लिए हमने लोकेशन डिसाइड की रिमनाम विलेज की, क्योंकि ओपन एरिया तो यहाँ पर ये काम करना बहुत ही आसान था। फर्स्ट जोन की श्रिंकिंग स्टार्ट हो गई थी, अब बस इंतजार करना था कि कब ये जोन की श्रिंकिंग स्टॉप होगी। किसी का अता पता नहीं था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कोई भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आखिरी चंद लम्हात में लोग दमदार होना शुरू हो गए। पहला उम्मीदवार आ गया गाड़ी में, वो टक्कर नहीं मारना गलती से। टोकन ड्रॉप करो जल्दी से, टोकन ड्रॉप करो भाई। ये है 2700 टोकन है रामी भाई। सेकंड उम्मीदवार ओ भाई साहब, मंसूर कितना ड्रामेटिक लग रहा है ना। डायरेक्ट टोकन ड्रॉप टोकन मिक्स नाउ। इसके पास भी है 2700। अब यहाँ पर पहले दो बंदों का तो मैच टाई हुआ ही, लेकिन इसके बाद जो दो बंदे आए उनका भी मैच टाई हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। सेफ जोन की श्रिंकिंग स्टॉप हो गई, जिसका मतलब हमारे पास सबसे पहले जो चार बंदे पहुंचे थे सिर्फ उनके ही काउंट टोकन होने थे, बाकी सारे एलिमिनेट। 3600 बस ठीक है, 3600 काले कपड़े वाला 3600 हाँ ये मैं हूं। और 3600 वंस अगेन, और यहाँ पे जोन श्रिंकिंग भी हो गई है बंद। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि हमें लोकेशन चेंज करने चाहिए, और ये जो आखिर में दो बंदे आए जिनके टोकन 3600 थे, इनको एक और चांस देना चाहिए। सेम रूल होगा, जोन के श्रिंकिंग स्टार्ट होगी, जैसी एंड होगी उससे पहले इन लोगों ने आप तक पहुंचना है, और जिसके टोकन ज्यादा होगी वो विनर होगा। अब आप लोग टोकन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दे, जब मैं आपको बोलूंगा स्टॉप उस वक्त आपने स्टॉप हो जाना, मेरे पास आके ड्रॉप करना है। गाइस माइक ऑफ गाइस सारे माइक करो। तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पे टोकन वाला मैडम माइक ऑफ कर देना यार। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे सारे टोकन कलेक्ट करके आए थे, लेकिन मैं बोलते कि जैसे जोन की श्रिंकिंग एंड हो जाएगी जो भी बंदा मेरे पास पहुंचा होगा मैं सिर्फ उसके काउंट करूंगा। चार बंदे पहुंचे जिनमें से दो की 2700 थे और दो की 3600 थे। तो जिनकी 2700 थे उनको साइड पे हो गए, लेकिन जो 3600 थे हम उनको एक तो दोबारा चांस दे रहे हैं। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी जोन की श्रिंकिंग हो रही है। जैसे ये श्रिंकिंग एंड होगी जो शख्स मेरे पास सबसे पहले पहुंचेगा वो उसको मैं विनर डिक्लेयर कर दूंगा, फिर चाहे उसके पास 100 टोकन ही क्यों ना। मेरा ये हमने लगाया लॉन्च पैड लगाया हुआ है काफी ढेर सारे, और ब्लू भी ऊपर लगाया हुआ है हवा में। अब जोन श्रिंकिंग एंड होने वाली है। आ गया कलूटा आ गया। कलूटे बस दूसरा एलिमिनेट। कलूटे कितने टोकन है? 900 मैं जीत गया हूं। ड्रॉप करो। बिल्कुल टेट्रा इज द विनर। हमारी थर्ड राउंड की विनर है टेट्रा, क्योंकि इनके मुकामिल जो बनी था वो नहीं आ पाया यहाँ पे। तो आज के लिए मुझे पता है कि आप लोग ये पूछोगे कि आपने तो गिफ्ट्स भेजे ही नहीं, तो मैंने भेजने थे और मैंने ये क्लिप्स रिकॉर्ड करके वीडियो में दिखाने भी थे, लेकिन मेरे पैर में आ गई है मोच, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से मैं ठीक से नहीं चल पा रहा हूँ, तो इसलिए पार्सल वाला जो सीन है वो डिले हो गया। मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे बहुत